क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज आप गंगा की बेटी हो गए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूँगी और साथ ही साथ जितने भी मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी हाँ, गंगा की बेटी बहुत ही खूबसूरत टाइटल है हमारी फिल्म का और मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि मुझे इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया है, जिसके प्रोड्यूसर हैं अमित जी, जिसके डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी और जिसमें म्यूज़िक दिया है हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर अमन श्लोक जी ने। और इस फिल्म में मैं काम कर रही हूँ राकेश मिश्रा जी के साथ एंड राकेश मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहूँगी, ही इज़ अमेजिंग एक्टर, लवली पर्सन और मैंने उनके साथ एल्बम तो किया हुआ है, कई इवेंट्स किए हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी काम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मौका मिला है मुझे और तमाम इसमें कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया इसमें कास्टिंग हुई है। के गोस्वामी जी हैं जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, आप सभी जानते हैं, और साथ में शकीला जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे जी हाँ, मैं सबका नाम लूँगी तो बहुत लंबा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन तमाम कमाल के आर्टिस्ट हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। किस तरह का किरदार है आपको थोड़ा गंगा की बेटी? मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि ये जो टाइटल है ये अपने आप में एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि गंगा की बेटी, लेकिन कैसे, क्या मुझे, जैसे आज मैंने सवेरे फेसबुक पे अपना फ़ोटो शेयर किया तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या है ये स्टोरी, क्या है गंगा की बेटी ये वो, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन ये कहना चाहूँगी कि ये जो सब्जेक्ट है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सब्जेक्ट अभी तक नहीं बना है, बहुत डिफरेंट है। बस इतना छोटा सा बता सकती हूँ, हल्का सा, कि इसमें आप मुझे गुंजन पंत को एक जलपरी के रूप में भी देखेंगे। क्या कहना चाहिए आपकी बेटी लगातार बड़े बड़े फिल्में साइन कर रही है, क्या कहना चाहिए, इतना बड़ा कामयाब आपकी बेटी को मिल रहा है और आज हो गई गंगा की बेटी, परिचित शक्ति से हो गई गंगा की बेटी। बहुत खुशी होती है सब देख कर और मेरा तो आशीर्वाद है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, अभी तो ये आगे ही बढ़ रही है, पीछे मुड़ने के उसके पास टाइम ही नहीं है, बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़े, खूब अपना नाम रोशन करे और बहुत अच्छे ढंग से इंडस्ट्री में अपना नाम करे। ये मैं कहना भी चाहूँगी कि मम्मी के आशीर्वाद की वजह से, मतलब मम्मी जब से बॉम्बे आई हैं मैं लगातार फिल्में साइन करती जा रही हूँ, इट्स ऑल माय मॉम्स ब्लेसिंग्स, सो सब इनका ही आशीर्वाद। क्या कहना चाहिए आप पूरे समाज के लिए जो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते फिल्मों में काम या कौन से भी क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता पूरे समाज के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल लड़का लड़की कुछ नहीं होता, लड़कियाँ बहुत आगे पहुँच गई हैं, मेरी तो ये बेटी जिस तरह से काम कर रही है और भी लड़कियां जो काम कर रही हैं, मेरी तो खुद भांजी अभी IPS है और सब लड़कियां काम कर रही हैं, इसमें करते रहना चाहिए, ये तो समाज के लिए एक, बिना स्त्री के पुरुष भी अधूरा है, बिना स्त्री के काम करे तो कोई काम समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता स्त्रियों को साथ लेके, इसलिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आप लोगों ने ये पूछा सवाल, तो दोस्तों सभी को बताना चाहूँगी कि मैं अभी नरेंद्र मोदी जी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी जुड़ गई हूँ और मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ, लड़कियों को बहुत आगे आना चाहिए, समाज में बहुत अच्छा अच्छा काम करना चाहिए और जो कि हो रहा है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। आप क्या कहना चाहेंगे गंगा की बेटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम दर्शकों के लिए ये केवल मनोरंजन ही नहीं करेगा बल्कि ये विश्व के लिए पूरा संदेश देकर के आएगा। आज का दिन 22 मार्च है और आज दो चीज़ें बहुत बृहद स्तर पर हम मनाते हैं। नंबर वन, बिहार दिवस के रूप में आप जानते हो कि बिहार की स्थापना 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, तो उस रूप में बिहार दिवस मनाया जाता है और इसी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं टाइटल की मीता प्रोडक्शन गंगा की बेटी एक जलपरी, जिसमें गंगा और जलपरी दोनों जल से रिलेटेड है, कहने फिल्म की कहानी गंगा साफ सफाई से रिलेटेड है। केवल यही नहीं, इसमें कई मैसेजेस होंगे, कई संदेश होंगे जिसमें जल संरक्षण से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कि इन्होंने कहा, और साथ ही साथ
कैसे हम भोजपुरी की संस्कृति को बिहार के दायरे से जो विश्व स्तर पर कुछ देशों में जैसे नेपाल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे मानता है, फिजी इसे ऑफिशियल स्टेटस के रूप में मानते हैं, मॉरिशस और तमाम जगह पर भोजपुरी बोली जाती है, तो हम चाहते हैं कि फिल्म ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भोजपुरी को विश्व स्तर पर इसकी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे गुंजन जी को, आपने अपनी फिल्म में लिया, क्या कारण थे गुंजन जी को फिल्म? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अभी आपको कहा कि ये कई सारे अभियान से खुद जुड़ी हुई हैं, और दूसरी बात है कि एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को जिस रूप में आगे बढ़ रही हैं, और इस फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त अगर मुझे कोई एक्ट्रेस लगी तो गुंजन पंत जी लगी, और इनकी खूबसूरती, इनकी गंगा की बेटी के अनुसार किरे जो इनका एक्टिंग होना है, और पूरी मूवी को ये अपनी भूमिका दे पाएंगी, एक ऐसा मैसेज देंगी अपनी एक्टिंग से। मुझे विश्वास है कि ये मूवी बिहार में ही नहीं विश्व स्तर पर इसकी डबिंग्स और कई जगहों पर इसे सराहना मिलेगी, और मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है कि कुमार बिकल जी जो इसके निर्देशक हैं वो काफ़ी अच्छा निर्देशक के साथ साथ वो राइटर भी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी हमें स्टोरी दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक भोजपुरी ही नहीं बॉलीवुड में भी ये मूवी ऐसी नहीं बनी है। मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में भी और भोजपुरी दोनों में ही इस तरह की मूवी नहीं बनी है कि गंगा की बेटी एक जल परी के रूप में आपको देखने के लिए। वेलकम।